नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का सेकंड पार्ट, जो हमारा है एस सर्कल का। तो पिछली वीडियो में हमने कर्व स्ट्रोक के साथ कर पढ़े थे, कर्व स्ट्रोक के साथ हमने पढ़ा था एस सर्कल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेट स्ट्रोक, स्ट्रेट एंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ हम पढ़ने वाले हैं कि एस सर्कल कैसे लगता है। तो कर्व स्ट्रोक के साथ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो आज की इस वीडियो में पूरा एस सर्कल जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो बिल्कुल एंड तक वीडियो में बने रहें। अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो कर दे चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर हो कर सकते हैं शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स में जिसको शुरू स्टूडेंट सीखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम एस सर्कल हॉरिजॉन्टल एंड कर्व स्ट्रोक के साथ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक की। तो स्ट्रेट स्ट्रोक हमारे कौन से हैं? पी, बी, टी, डी, जे, जे, ये स्ट्रेट स्ट्रोक हैं हमारे। तो स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक के साथ हमारा जो एस सर्कल लगता है वो लगता है एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, और राइट साइड ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक, स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक। तो दोनों में से कोई भी बात बोलो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन मतलब जैसे क्लॉक हमारी है, क्लॉक हमारी इस मोशन में घूमती है, और हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोशन होता है वो इस मोशन में होता है। तो इस मोशन में जो है हमारा एस सर्कल लगता है, और राइट साइड ऑफ द डाउन स्ट्रोक लगता है। जैसे आपका पी कॉन्सोनेंट है, ये मान लीजिए पी कॉन्सोनेंट है, तो पी हमारा स्ट्रेट डाउन स्ट्रोक है। तो इसके हमारे एंटी क्लॉकवाइज मोशन, तो एंटी क्लॉकवाइज मोशन ऐसे हो गया, तो इसमें हमारा एस सर्कल ऐसे लग जाएगा। और राइट साइड ऑफ द स्ट्रेट स्ट्रोक, तो स्ट्रेट स्ट्रोक का राइट साइड हमारा यही है, तो राइट साइड में हमारा एस सर्कल लगा हुआ है। तो कहने का मतलब इसका यही है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा एस सर्कल स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ कैसे लगता है। तो अब हम इसके एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं स्ट्रेट स्ट्रोक वाले। तो जैसे इसके अंदर पहला एग्जांपल है पास। तो साउंड को आपको ध्यान रखना है, कौन सी साउंड कहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है, कहाँ पर वोवल के साउंड आ रही है, कहाँ पर कॉन्सोनेंट के साउंड आ रही है, कहाँ पर एस सर्कल के साउंड आ रही है। तो पूरा आपको साउंड का ध्यान रखना है। तो जैसे आपका पास एग्जांपल है, तो पास में पी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, पी के बाद ए वोवल की साउंड, कौन वोवल की साउंड, फिर एस की साउंड आ रही है, पी आ आस पास, पी कॉन्सोनेंट बना फिर एस बना दिया, और फर्स्ट प्लेस का आ का वोवल पास। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा डेज। डेज में डी कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, डी के बाद ए के वोवल, फिर एस की साउंड आ रही है, तो डी ज, पहले आपको कॉन्सोनेंट एंड सर्कल बनाना, उसके बाद वोवल प्लेस करना है, डी कॉन्सोनेंट, डी के बाद ए का वोवल, फिर एस सर्कल डेज। नेक्स्ट एग्जांपल है लेडीज। एल कॉन्सोनेंट, एल के बाद ए वोवल के साउंड, फिर डी, फिर एस, ले डेज, ए का वोवल। तो आपको ध्यान रखना है कि वोवल कौन सा आ रहा है, और वर्ड हमारा अबव द लाइन बनेगा, ऑन द लाइन बनेगा, थ्रू द लाइन बनेगा। सेकंड प्लेस का वोवल है दोनों में इसमें, तो वर्ड हमारा ऑन द लाइन बना, इसका वर्ड के अंदर हमारा अबव, फर्स्ट प्लेस का वोवल है तो इसके अंदर वर्ड हमारा अबव द लाइन बना, लाइन से ऊपर बना, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर हमारा पेजेस। पे जिस पी के बाद ए वोवल के साउंड, सेकंड प्लेस का वोवल, पी हमारा ऑन द लाइन, फिर जे, फिर एस, पे जेस। नेक्स्ट एग्जांपल है इसके अंदर हमारा सेट। एस एकोवल, फिर टी कॉन्सोनेंट फर्स्ट प्लेस का एकोवल, एस के बाद एवल के साउंड, फिर आपका टी कॉन्सोनेंट सेट। नेक्स्ट एग्जांपल है सत, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा सेड। एस ए का वोवल, डी कॉन्सोनेंट, वर्ड हमारा ऑन द लाइन बना, इसमें अबव द लाइन बना, इसके अंदर वोवल का फर्क है, फर्स्ट प्लेस का वोवल, सेकंड प्लेस का वोवल। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे हमारा है स्पीच। एस पी पीछे, तो वर्ड हमारा लेंथ से कट के बनेगा, थर्ड प्लेस के वोवल की साउंड आ रही है, और वोवल लेगा हमारा सेकंड कॉन्सोनेंट से पहले ई का वोवल, स्पीच। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे सूट, एग्जांपल साइड हो गया। एस आई का डिप्थोंग, फिर डी साइड, वर्ड हमारा अबव द लाइन। तो और भी वर्ड्स हैं, तो उन्हीं सब वर्ड्स के आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। दो वर्ड्स में लास्ट की ओर बताया था, जैसे हमारा एग्जांपल है जैसे
डिसाइड डी कॉन्सोनेंट स डे, तो मिडल में ऐसा आया डी सर्कल बन गया, डी सर्कल फिर डी डी साइड डिसाइड, ठीक है डी साइड, एस के बाद आई का डिप्थोंग डिसाइड। नेक्स्ट एग्जांपल है ट्यूजडे, जैसे ट्यूजडे आ गया टी यू फिर एस फिर डी, ट्यू डे एस फिर डी के बाद ए का वोवल, ट्यूजडे टी के बाद यू का डिप्थोंग फिर एस फिर डी के बाद ए का वोवल, ट्यूजडे। तो साउंड को ध्यान में रखें, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ स्ट्रेट स्ट्रोक हो गया हमारा, अब आती है हमारी हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ। तो हॉरिजॉन्टल हमारे कौन कौन से कॉन्सोनेंट हैं, हॉरिजॉन्टल जैसे आपका है के कॉन्सोनेंट, गे कॉन्सोनेंट्स, ठीक है तो के गे आर कॉन्सोनेंट अपवर्ड वाला आर और एच कॉन्सोनेंट है, ठीक है उनके साथ हमारा एस सर्कल लगता है। इट इज़ रिटन ऑन द अपर साइड ऑफ द स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, तो हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रोक होते हैं उसके अपर साइड में हमारा सर्कल लगता है। जैसे आपका के कॉन्सोनेंट है, तो जैसे आपका के कॉन्सोनेंट है के कॉन्सोनेंट्स के अपर साइड, तो इसका ऊपर वाला साइड है के का, तो ऊपर साइड में आपका सर्कल लग जाएगा। जैसे इसके अंदर आपका नेक्स्ट एग्जांपल है एच कॉन्सोनेंट, जैसे एच ये वाला कॉन्सोनेंट है तो एच के आपका ऊपर साइड ऐसे लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आपका है आर कॉन्सोनेंट, हॉरिजॉन्टल में आर आर के अपर साइड लग जाएगा एस सर्कल, ठीक है तो आपको ध्यान रखना है इसका, जैसे आर के यहाँ पे स्टार्टिंग में लग जाएगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के साथ आपके अपर साइड में एस सर्कल लगेगा। ऐसे आप एग्जांपल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं इसके भी हम, जैसे पहला एग्जांपल है इसका, सेकंड पॉइंट है, पहला एग्जांपल है गैस जी यू ई डबल एस गैस, गे ए का वोवल फिर एस, ठीक है फर्स्ट सेकंड प्लेस का ए का वोवल है, वर्ड का ऑन द लाइन बनना है। नेक्स्ट एग्जांपल है लुक्स, लुक्स में थर्ड प्लेस की वोवल के साउंड है तो उ का वोवल फिर के कॉन्सोनेंट लुक्स, लाइन से कट के हमारा लाइन से कटेगा नीचे स्टार्ट होगा एल फिर के एस लुक्स। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आपका है बॉक्स बी बॉक्स बॉक्स, नेक्स्ट एग्जांपल जैसे केस के ए का वोवल एस सर्कल केस, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे है सिक्योर सिक्योर ए का वोवल यू का डिप्थोंग की साउंड, तो साउंड को ध्यान में रख के आपको प्रैक्टिस करनी है, वोवल प्लेस करना है एंड यू का डिप्थोंग लगाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है ऐसे यूज ये कॉन्सोनेंट एस यूज ऊ का वोवल यूज। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे है वेज वे कॉन्सोनेंट ए का वोवल एस वेज। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे आपका है हाउस हाउस आउ का डिप्थोंग एच कॉन्सोनेंट आउ का वोवल आउ का डिप्थोंग फिर एस हाउस, ठीक है लाइन से कट के बनेगी थर्ड प्लेस का हमारा आपका डिप्थोंग है। नेक्स्ट है मैरिज एम ए री ज आर एस मैरिज, ठीक है। नेक्स्ट है वेरियस वे ए का वोवल आर एस वेरियस सीरीज, जैसे एग्जांपल है सीरीज सी रीज ई का वोवल, ठीक है सीरीज। तो और भी एग्जांपल्स हैं तो उन सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अपवर्ड हॉरिजॉन्टल वाले स्ट्रोक के साथ सर्कल कैसे लगता है वो आपको एग्जांपल से ही याद होगा, और स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ आपका कैसे लगता है वो भी आपको सभी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करने के बाद ही लर्न होगा। तो आपको साउंड का भी ध्यान रखना है। इसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट फॉर्म्स, तो स्ट्रेट स्ट्रोक की हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं कुछ,
तो पहले हमारी शॉर्ट फॉर्म है इसके अंदर, पहली शॉर्ट फॉर्म है बिकॉज। तो जो बिकॉज शॉर्ट फॉर्म है हमारी बी कॉन्सनेंट ने के कॉन्सनेंट और एस से रिप्रेजेंट की जाती है अबव द लाइन। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट फॉर्म है स्पेशल, और स्पेशली। तो जो दोनों शॉर्ट फॉर्म है वो एस और पी से रिप्रेजेंट की जाती है ऑन द लाइन। नेक्स्ट है स्पीक शॉर्ट फॉर्म, वो हमारी एस और पी से रिप्रेजेंट की जाती है थ्रू द लाइन। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट फॉर्म है सब्जेक्ट और सब्जेक्टिव, ए डी लगा देंगे, तो वो रिप्रेजेंट की जाती है एस और बी से, बिकॉज हमारी के और एस से, स्पेशल और स्पेशली हमारी एस और पी से, स्पीक हमारी एस और पी से ही, पर ये थ्रू द लाइन, ये ऑन द लाइन, ये अबव द लाइन। सब्जेक्ट हमारी एस और बी से, वो भी ऑन द लाइन। तो इसके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, तो इन शॉर्ट फॉर्म्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, शॉर्ट फॉर्म्स मेन पार्ट होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म के साथ आपका एस सर्कल कैसे ज्वाइन होगा। जैसे आपका लिखा है, लिखना हो स्पीक, जैसे आपका स्पीक लिखा है तो स्पीक एस और पी से आप लिख देंगे। अगर आपको लिखना हो स्पीक्स, लास्ट में एस लगा है, तो आपको इसमें लास्ट में ही ज्वाइन कर देना है एस। नेक्स्ट है आपका यूअर, ऐसे यूअर आप लिखते हैं यूअर ऐसे ऑन द लाइन। अगर आपको लिखना हो यूअर्स, लास्ट में एस लगा दें, तो यहाँ पे एस लग जाएगा लास्ट में, यूअर्स। तो यही है आपका, जैसे थैंक्स है तो थैंक्स में आपके थैंक्स शॉर्ट फॉर्म, थैंक्स एस सर्कल थैंक्स, ठीक है। तो कम्स है ऐसे, कम शॉर्ट फॉर्म, फिर एस कम्स। तो ये आपको शॉर्ट फॉर्म जितने भी हैं, सभी शॉर्ट फॉर्म के साथ आपको एस सर्कल लास्ट में लगा देना है। जब शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म के साथ एस सर्कल की साउंड आती है, तो लास्ट में आपको एस सर्कल लगा देना है। तो इसके बाद आपकी है एक्सरसाइज नंबर 26, ठीक है। तो 26 की आपको एक्सरसाइज की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको सभी वर्ड अच्छे से लर्न हो जाए। नेक्स्ट इसके बाद पॉइंट है हमारा द फाइनल एस सर्कल रिप्रेजेंट द वर्ड अस इन सच एस फ्रेजेस। तो जब भी हमारा एस सर्कल फाइनल में आएगा किसी शॉर्ट फॉर्म के साथ, तो फ्रेजिंग के तौर पर वो लगेगा। जैसे हमारी शॉर्ट फॉर्म है फॉर अस, तो फ्रेजिंग के तौर पर वर्ड के साथ भी आ सकता है लास्ट में, तो उनके साथ भी हमारा जब लास्ट में एस सर्कल लगेगा कोई वर्ड में, फ्रेजिंग के तौर पर वो अस का यूज़ करेगा। जैसे आपका एग्जांपल है फॉर अस, तो फॉर हमारी शॉर्ट फॉर्म, फॉर के साथ हम एस सर्कल लगा देंगे, तो फॉर अस हमारा रिप्रेजेंट होगा। जैसे टू अस, टू शॉर्ट फॉर्म, टू के साथ एस सर्कल, टू अस। नेक्स्ट है शॉर्ट फॉर्म गिव अस, गिव शॉर्ट फॉर्म, गिव के साथ एस सर्कल, गिव अस। नेक्स्ट है टेक अस, तो टेक हमारा एक वर्ड है, तो टेक के साथ हम एस सर्कल लगाएंगे, तो वो एस को अस को रिप्रेजेंट करेगा, टेक अस। या आपका टेक्स भी हो सकता है, तो ये आपका सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे टेक अस लिखा है कि टेक्स लिखा है। नेक्स्ट है शोज, शो अस, शो वर्ड, फिर शो के साथ एस, शोज, शो अस। Making us, making us। Next है charge us, charge us। तो ये शो फ्रेजिंग के तौर पर जब भी हमारा लास्ट में एस सर्कल आएगा, तो वो फ्रेजिंग के तौर पर अस को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद आपका एक नोट है, नोट में है ऐसे विद, हमारी शॉर्ट फॉर्म, विद के साथ हम एस सर्कल लगा देंगे, विद अस। नेक्स्ट है वैन, हमारी शॉर्ट फॉर्म, वैन के साथ लगा देंगे एस सर्कल, वैन अस। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारी वैन इज द, हम लिखे ना वैन इज द, वैन इज द, लास्ट में टिक लगा देंगे, द को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट है वस, नेक्स्ट है वट इज, वट शॉर्ट फॉर्म, वट के साथ इज, अगर हमें दा लिखना हो तो यहाँ पे टिक हो जाएगा, तो ये हमारा दा को रिप्रेजेंट करेगा, व्हाट इज दा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो
तो ये थी आपका फ्रेजिंग के तौर पर आपका सर्कल एस को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंदर द सर्कल इज रिटन ऑन द आउटसाइड ऑफ एंगल फॉर्म बाय टू स्ट्रेट स्ट्रोक। तो हमारे दो स्ट्रेट स्ट्रोक आ रहे होंगे तो उनके बीच में हमारी मिडल में एस एल की साउंड आ रही होगी, तो हमारा सर्कल है आउटसाइड ऑफ जी टू स्ट्रेट स्ट्रोक, मतलब दो स्ट्रेट स्ट्रोक के आउटसाइड में लगेगा। तो ये आपको एग्जांपल्स के तौर पे समझ में आएंगे, जैसे लिखा है डेस्क, तो डी ए वोवल की साउंड, फिर एस, फिर के, डेस्क। तो दोनों आपके स्ट्रेट स्ट्रोक हैं, डी भी स्ट्रेट स्ट्रोक एंड के भी स्ट्रेट स्ट्रोक। तो इसके आउटसाइड में आपका सर्कल लगा है, तो वर्ड देखिए आप कैसा बना है, डी फिर एस फिर के, डेस्क। नेक्स्ट है आपका डिस्कस, तो डिस्कस, डी ई डी ए का वोवल डी, ई का वोवल एस, फिर के एस, डिस्कस। नेक्स्ट है डिस्पोज, तो डिस्पोज, फ्लो में वर्ड डिस्पोज। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका बिसाइड्स, तो बी साइड्स, बी साइड्स, ठीक है। नेक्स्ट है जस्टिस, तो जस्टिस, फ्लो के साथ आपका दो स्ट्रेट स्ट्रोक के में मिडल में एस सर्कल के साउंड, तो आउटसाइड द टू स्ट्रेट स्ट्रोक आपका बना है एस सर्कल। तो और भी एग्जांपल्स हैं, उन सब की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इतना ध्यान रखना है दो स्ट्रेट स्ट्रोक के जो मिडल में एस सर्कल की साउंड आएगी तो हमारी दो आउटसाइड बनेंगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है, द एस सर्कल एट द बिगनिंग ऑफ अ वर्ड रिप्रेजेंट एस ओनली इन द फ्यू वर्ड्स बिगनिंग विद जेड द स्ट्रोक जेड इज यूज्ड। तो जब भी आपका स्टार्टिंग में सर्कल आपको दिखाई देगा तो वो एस को रिप्रेजेंट करेगा, ओनली जेड को नहीं करेगा। इस पॉइंट कहने का मतलब ये है, ठीक है, अगर आपको जेड लिखना हो तो आपको पूरा स्ट्रोक लिखना पड़ेगा। जैसे आपका एग्जाम्पल है जील, तो जील के लिए हम एस सर्कल यूज़ नहीं कर सकते, तो एस सर्कल जब भी स्टार्टिंग में आ रहा होगा वो आपका एस को रिप्रेजेंट करेगा, जेड को नहीं करेगा, मिडल में और एंड में जेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो जील आपको पूरा स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, जी ल ई का वोवल, इसके लिए आपको एस सर्कल यूज़ एस नहीं करना है। नेक्स्ट है ज़ीरो, जी ई का ओवल रो, आर के बाद ओ का ओवल जीरो। नेक्स्ट है जीनिथ, जीनिथ, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल्स हैं, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आपकी एक्सरसाइज नंबर 29 आ जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका अपवर्ड आर इज यूज्ड फॉलो द कर्व एंड सर्कल इज वुड लाइक। तो आपको एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ, तो आप एग्जांपल्स बना के आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे आपका एग्जांपल है ऑफिसर, ठीक है, तो ऑफिसर आपको वर्ड ऐसे बनेगा ऑफिसर, ऑफिसर। तो इस पॉइंट कहने का मतलब ये है, तो जब भी आपका एस सर्कल आ रहा होगा मिडल में, कर्व स्ट्रोक के बाद मिडल में एस सर्कल की साउंड आ गई तो उसके बाद आपका आर की साउंड आ रही होगी, तो आर हम आपका अपवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड नहीं जाएगा। जैसे आपका ऑफिसर है, ऑफिसर आप ऐसे डाउनवर्ड लिख ही नहीं सकते, लिखा ही जाएगा, तो आपको अपवर्ड वाला आर इसके अंदर यूज़ करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आंसर, ठीक है, तो आंसर, आंसर में भी आपका जो वर्ड है आर है अपवर्ड जाएगा सर्कल के बाद। नेक्स्ट है सिंसियर, सिंसियर, ठीक है, सिंसियर एस के बाद आप आर अपवर्ड चला जाएगा। 26 नंबर पॉइंट में यही लिखा गया है, तो इन वर्ड्स के आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है, वर्ड्स की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो पॉइंट आपको ध्यान रहेगा तो आपको कोई भी मुश्किल वर्ड आता है तो आप बना सकते हैं, ड्रू कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना ध्यान रखना है, जब भी मिडल में एस सर्कल आएगा उसके बाद आर के साउंड आती है तो आर आपका पढ़ जाएगा। इसके बाद लास्ट पॉइंट आता है हमारा 27 नंबर पॉइंट। तो 27 नंबर पॉइंट है द स्ट्रोक एल मे इजिली बी रिटन डाउनवर्ड
एंड व्हेन इट प्रिसीड और फॉलोज एस सर्कल एस, तो जब भी एस सर्कल की साउंड आ रही होगी कर्व स्ट्रोक के बाद, उसके बाद एल की साउंड आ रही होगी, तो जिस डायरेक्शन में हमारा एल बनना चाहिए उसमें बन जाएगा, डाउनवर्ड बनेगा। ऐसा आपका पहला एग्जांपल है, वेसल एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूँ। ऐसा आपका वेसल एग्जांपल है तो वी कॉन्सोनेंट फिर एस फिर एल वेसल, ठीक है। तो एस सर्कल की साउंड आ रही है तो एस के बाद आपका एल डाउनवर्ड जाएगा कि आपका डायरेक्शन एस की यही वाली है, ठीक है। तो ऐसा आपको डाउनवर्ड लिखना है वेसल एस सर्कल के बाद आपकी एल की साउंड आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल है नाइसली नाइसली, तो नाइसली एल आपका डाउनवर्ड। नेक्स्ट है कैंसल कैंसल कैंसल। नेक्स्ट है आपका ऐसे लेसन एग्जांपल है तो एल फिर एल एस एंड लेसन, ठीक है। तो आपको वर्ड्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, इधर ध्यान रखना है एस सर्कल के बाद एल के साउंड आएंगे तो एल आपका डाउनवर्ड बनेगा। तो इसके अंदर एक एग्जांपल है मसल जैसे एग्जांपल है, तो मसल में आपका एम एस एल, तो एल इसके अंदर आपका अपवर्ड बना है तो वो इसलिए बना है, पॉइंट के अंदर भी लिखा गया है। तो जिस डायरेक्शन में आपका एस सर्कल होगा और जिसमें आपका कन्वीनियंट होगा एल, तो उसमें आपको बनाना है। इसमें आपका अपवर्ड वाला कन्वीनियंट है एस एल एल अपवर्ड एल इसके अंदर बनेगा। अगर इसके अंदर वेसल के अंदर आपका डाउनवर्ड वाला कन्वीनियंट है, मतलब फ्लो में बन पड़ा है बन पा रहा है वेसल, इसलिए आपका डाउनवर्ड लगा है। मसल वर्ड के अंदर आपका एल आपका अपवर्ड लगा है, किसके अंदर कन्वीनियंट आपका अपवर्ड वाला एल है। तो ये था आपका 27 नंबर पॉइंट। तो इन पॉइंट्स की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, वर्ड की प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद एक्सरसाइज नंबर 30 आती है आपकी, 30 की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आज का आपका चैप्टर नंबर 8 पूरा फिनिश हो गया, एस सर्कल आपका पूरा फिनिश हो चुका है।